नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोटेशियम के। पोटेशियम बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी है, जो आपके शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। खैर, ये तो रही टेक्निकल चीज़ें, लेकिन अगर आपको लो पोटेशियम है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपको स्टैमिना नहीं होगा। मान लीजिए आपने एक्सरसाइज किया, कहीं से चल कर आया, फिजिकल कुछ भी वर्क हुआ, तो आपको थका हुआ महसूस होगा, एंड्योरेंस नहीं होगा, आप जल्दी फटीग हो जाएंगे। उसके बाद आपका दिल अचानक धड़कने लगेगा ज़ोर ज़ोर से और बिट्स मिस करेगा। उसके बाद आपको ब्रीदिंग की भी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि वो लंग्स को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए। उसके बाद आपको मसल क्रैम्प्स होंगे हर जगह, नेक में, बैक में, आपके स्टमक में, आपके काफ्स में। फिर आपको नमनेस फील होगा कभी कभी, हाथों में, पैरों में, एकदम अचानक नमनेस का फील हो सकता है आपको। आपको रात में बार बार यूरिनेशन की फीलिंग आएगी और बाथरूम जाना पड़ेगा। फिर डायबिटीज़ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लो पोटेशियम। फिर पोटेशियम की कमी आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकती है, आपके हार्ट को भी अचानक बड़ा कर सकती है, और इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती है। मूड पे भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो ब्रेन को भी स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वो हर सेल के अंदर है। आमतौर पे होता क्या है, जब टेस्ट होता है तो वो ब्लड का होता है, ब्लड में नहीं मिलेगा आपको पोटेशियम, इंट्रासेलुलर आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा आपको पोटेशियम की कमी है क्या। पोटेशियम किन खानों में मिलता है? ऑफ कोर्स बनाना में मिलता है, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, दाल में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, और जो स्वीट पोटैटो होता है, रतालू जिसे कहते हैं, उसमें भी होता है। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है डेली, वो 4700 मिलीग्राम पर डे है, और पता नहीं आप इतना ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, मतलब 20 बनाना खाओगे तब जाके इतना होगा, तो 20 बनाना तो कोई खाता नहीं है। उसके अलावा जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ है, उनको पोटेशियम जो है 6000 के ऊपर मिलीग्राम्स पर डे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए, आपको पोटेशियम साइट्रेट लेना चाहिए, और देखिए आपके सिम्टम्स में फ़र्क आता है क्या। जो पोटेशियम सोडियम का रेशो है वो 4:1 है, और होता क्या है उल्टा, पोटेशियम की चीज़ें तो हम कम खाते हैं लेकिन सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं, तो दैट इज़ वाई वी हैव टू, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो रेशो को मेंटेन करें। मैंने जो भी सिम्टम्स बोले हैं आपको, अगर है तो पोटेशियम साइट्रेट आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप लेकर देखिए। 3 से 5 गोली, एक गोली शायद 750 mg की मिलती है, 4 गोली भी लेंगे आप डेली अलॉन्ग विद आपके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अदर डाइट, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा, आपके स्टैमिना में फ़र्क पड़ेगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा, आपके मूड्स भी बेहतर होंगे, और आप ओवरऑल हेल्दी होंगे। आशा है ये वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, और एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि पोटेशियम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।